नमस्कार दोस्तों, दीपक सिंह दैनिक समाचार से डोगरा फ्रंट की तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि रियासी के अंदर घटी है। पाकिस्तान का झंडा जला करके उसका विरोध कर रहा हूँ और ये श्रद्धालु को मार करके हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान के घर के अंदर दाने नहीं अम्मा चली बुनाने, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, उस सेरेमनी को खराब करने का प्रयास किया गया है। वो चाहते थे मोदी कुर्सी पर बैठा है, उठ ना ले, ये साजिश है पाकिस्तान की, वो सेरेमनी ना हो। और ये साजिश तब हुई जब चुनाव के अंदर अपोजिशन को बढ़ावा देने का पाकिस्तान के माध्यम से प्रयास किया गया, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ आर्या पार एक बार एक और बाला को अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के ऊपर ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा चला रहे हम और अभी ये घटना घट गई माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर। श्राइन बोर्ड से भी अपील करना चाहता हूँ, वो जो लोग माता वैष्णो देवी आ रहे थे उनके विषय के अंदर हमको प्रबंध करना होगा और ऐसी कोई भी साजिश उसको नस्तनबूद करने का प्रयास करना होगा। तो जिस तरह की साजिश ये कह रहे हैं कि एक साजिश थी और प्रधानमंत्री ओथ ना लें, इस तरह की साजिश थी और पहले से ज्यादा कड़े प्रबंध जो है वो तो पाकिस्तान जो कल जो आतंकी हमले हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो है वो हाथों में उठाए हैं, तिरंगे हाथों में उठाए हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह ये बहुत बड़ी साजिश थी और जो आने वाली यात्राएं अमरनाथ यात्रा हो जाए बाकी यात्राएं उनके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है कि इस तरह की साजिश जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें ज्यादा नमस्कार।